एजेंसी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मेरे सामने अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ, नॉट आसिफ, आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर, अब आमिर इज रिटायर्ड, ऐसी अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले, सिलेक्शन नहीं होती। नजम सेठी का बयान सुनने के बाद अगर आपको मैं मोहम्मद आमिर का बयान सुनवाऊं तो आपके पांव तले ज़मीन निकल जाए और आपकी खुशी की इंतहा ना रहे, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने मंजूरी को कबूल कर लिया है और पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक आपको बताएंगे कि मोहम्मद आमिर का अभी अभी नया बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है इनको पाकिस्तानी टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया है। वो वीडियो बयान भी आपके साथ शेयर करते हैं इस छोटी सी वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा, दिलों के थाम के रखें। लेकिन उससे कबल, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अगर आप मोहम्मद आमिर से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि इस तरह की न्यूज़ की बरवक्त नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप रहें बाखबर। नाज़रीन, आपको वो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, दिलों को थाम रखिए, क्लिप मुलाहजा फरमाएं। भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि एनएल काफ़ी अरसे बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं एक क्रिकेटर के लिए जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल को अपने आप को रेडी करने के लिए बिफोर द टूर्नामेंट इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं, क्योंकि आपको जब आप टूर्नामेंट में जाके कम्पीट करते हैं इसी तरह की विकेट्स मिलती हैं, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कल भी बोला था कि मैंने सेठी साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो ये उनका बड़ा पैन है कि उन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, आप जाके अपनी प्रैक्टिस करें।